नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल रैली जन चौपाल में, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। रैली में अलीगढ़ समेत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा के लोग जुड़े। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा, सीमा विवाद और राजप्रायोजित युद्ध ने सुरक्षा तंत्र के सामने बढ़ाई चुनौतियां। तमिलनाडु के राज्यपाल ने नीट से छूट की विधेयक को लौटाया, बताया ग्रामीण व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के खिलाफ। पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर पर बढ़ता विवाद, विदेश मंत्रालय ने कहा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है उपलब्ध। कोरोना से लड़ाई में क्या बचाएगी हर्ड इम्यूनिटी, WHO की चीफ साइंटिस्ट बोली ये गलती पड़ेगी भारी। पंजाब में ईडी की बड़ी कार्रवाई, रेड के बाद सीएम चन्नी के भतीजे को किया गिरफ्तार। पुणे में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत गिरने से 7 मजदूरों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए मामले। केंद्र सरकार का सुझाव, स्कूल खोलने पर फैसला ले राज्य। 95% शिक्षकों व स्कूल स्टाफ का टीकाकरण हुआ पूरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की वापसी के लिए सरकार प्रयासरत। सुप्रीम कोर्ट का गेट परीक्षा स्थगित करने से इनकार, कहा अराजकता और निश्चितता की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा। राहुल गांधी ने फिर बोला भाजपा पर हमला, कहा एक धर्म को एक दूसरे धर्म से लड़ाते हैं यह लोग। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करने पर साध्वी विभानंद को गिरी को NCW ने भेजा नोटिस। संसद में शशि थरूर से भिड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया, अंग्रेजी में सवाल का हिंदी में जवाब मिला तो बताया अपमान। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास बनेगा देवी शारदा का नया मंदिर, दक्षिण की श्रीगेड़ी पीठ में हुआ शिला पूजा। राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में लेकर मुरादाबाद में बड़ी लापरवाही, पुलिस रिपोर्ट के बिना दी थी इजाजत। यूपी पंजाब समेत 3 चुनावी राज्यों में किसान आंदोलन तेज करेगा संयुक्त किसान मोर्चा, दिल्ली में हुआ ऐलान। गोरखपुर में डॉक्टर राधा मोहन ने कहा, योगी आदित्यनाथ को दिलाएंगे ऐतिहासिक जीत। अपर्णा यादव ने सदर विधानसभा के क्षेत्र के मतदाताओं से किया जनसंपर्क, कहा नेताजी ने दिया था मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद। सीएम योगी ने प्रस्तुत किया 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड, बोला हमने बनवाया विश्वनाथ धाम, सपा ने बनवाया।
प्रस्थान की बाउंड्री। अयोध्या में भाजपा प्रत्याशी ने की बैठक, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। अयोध्या में सपा प्रत्याशी के पिता का बड़ा बयान, भाजपा और सपा समर्थकों की नोकझोंक पर दिया बयान। बांदा में कांग्रेस प्रत्याशी ने कराया नामांकन, नामांकन में भाजपा प्रत्याशी की दीप तीरंदावी सीट पर किया नामांकन। चंदौली में चोरों के हौसले हुए बुलंद, बैंक में गहने की चोरी, चोरों के मामले में गरमाई राजनीति। हापुड़ में वैसी के काफिले पर हुई थी फायरिंग, दो हमलावर हुए गिरफ्तार। हरदोई में चुनाव से पहले प्रशासन मुस्तैद, अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा। संबल में बसपा प्रत्याशी ने की बैठक, बसपा प्रत्याशी हाजी शकील ने किया जनसंपर्क। बांदा में अंतिम दिन प्रत्याशियों ने कराया नामांकन, जन अधिकार पार्टी ने प्रदेश सरकार पर कसा तंज। गोरखपुर कार्यकर्ता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह बोले, विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, भाजपा 300 से ऊपर सीट पाएगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, ट्रक से टकराई कार, 3 लोगों की मौत और चालक घायल। अखिलेश की दी टिकट को कुख्यात डकैत, रहे ददुआ के बेटे ने ठुकराया, मानिकपुर सीट से चुनाव लड़ने से किया इनकार। सचिन पायलट का भाजपा पर हमला, कहा यूपी में डबल इंजन की सरकार समेत पूरी तरह फेल। कानपुर हादसे में ई बाइक, बस चालकों का आया सख्त नियम, मंडलायुक्त ने जारी किया आदेश। बुलंदशहर में सपा प्रत्याशी समेत 400 अज्ञात के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस। कानपुर में मारपीट और धमकियों से परेशान छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, पिता ने 7 के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। औरैया में निर्दयी मां ने नवजात को फेंका खेत में, पोस्टमार्टम के लिए ले गई पुलिस। अयोध्या में विधानसभा प्रत्याशी का बयान, प्रदेश महासचिव रहे मौजूद। फिरोजाबाद में नियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर, 7 की मौत और 2 घायल। कन्नौज में गला दबाकर युवक की हत्या, खेत में पड़ा मिला शव। संबल में सपा RLD की संयुक्त बैठक, सभा में फिसली नेताओं की जुबान। सोनभद्र में युवक की गला दबाकर हत्या, घटनास्थल का हुआ निरीक्षण।
प्रशासन अलर्ट, पुलिस अधीक्षक ने मध्य बेंता बॉर्डर चौकी पर की बैठक। महोबा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई, करीब चार लोगों को चरस के साथ महिला को किया गिरफ्तार। धनोरा में सैनी समाज के लोगों का आरोप, भाजपा सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप। कलियर में भाजपा कार्यालय का हुआ उद्घाटन, भाजपा प्रत्याशी ने गिनाए विकास कार्य। लालकुआ में कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष ने किया जनसंपर्क, पूर्व मंत्री हरीश रावत के समर्थन में किया प्रचार। नरेंद्रनगर में भाजपा प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क, ठंड के बावजूद कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। ऋषिकेश में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, पार्षदों ने सभासदों ने थामा कांग्रेस का दामन। मसूरी ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटक कर रहे एंजॉय। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार एनआरआई मतदाता भी करेंगे मत का प्रयोग। हरीश रावत ने एक बार फिर खेला दलित कार्ड, बोले यशपाल यार में उत्तराखंड को संभालने की क्षमता। यूकेडी अध्यक्ष काशी सिंह ने एरी ने कहा, सेठ जी दिल्ली में मुनीम बना रहे सरकार, चला रहे मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में पीएम मोदी की आज की वर्चुअल सभा हुई स्थगित। राहुल गांधी कल कक्षा और ज्वालपुर में करेंगे प्रचार, इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है दौरा। प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर ब्लैकमेल करने वाली महिला समेत तीन गिरफ्तार, 1.5 लाख की रकम लेने आए थे आरोपित। पीएनबी में चोरी और एटीएम उखाड़ने का प्रयास, आरोपितों ने स्ट्रांग रूम में जाने वाले दरवाजे में की तोड़फोड़। उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते पोलिंग पार्टियां रास्ते में फंसी, मौसम ठीक होने पर भेजा जाएगा दोबारा। सात फरवरी से खुलेंगे 1 से 9वीं तक की कक्षाएं, अभी तक हो रही ऑनलाइन पढ़ाई। बाइडेन उठाएंगे बड़े कदम। पाक की सुरक्षा एजेंसियों पर हाई अलर्ट। WHO का बड़ा दावा। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान में रातों रात हटाई गई महान सिख योद्धा हरि सिंह लकवा की मूर्ति, सिख समुदाय ने जताया रोष।
खस्ता हाल पाकिस्तान के लिए $1 अरब के कर्ज को दी मंजूरी। सीमाओं को खोलने की तैयारी, न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री ने कहा खत्म होगा क्वारंटीन स्टे। यूक्रेन के बेलारूस की ओर से भी घेर रहा है रूस, 30,000 विशेष प्रशिक्षित सैनिकों को भेजेंगे। एक घंटे में तय होगा बीजिंग से न्यूयॉर्क का सफर, चीन बना रहा हाइपरसैनिक प्लेन। सीरिया में यूएस की एयर स्ट्राइक, बाइडन बोले हम आईएसआईएसआई कमांडर इब्राहिम अल हाशमी को मार गिराएंगे। अफसर का दावा उसने खुद को बम से उड़ा लिया। भारतीय रिजर्व ने महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस किया रद्द। पीएमसी बैंक फ्रॉड का मुख्य आरोपी अरेस्ट, नेपाल के रास्ते कनाडा भागने के फिराक में था बैंक का डायरेक्टर, रक्सौल बॉर्डर पर पकड़ा गया। अब पॉलिसी बाजार पर भी मिलेगा एलआईसी का बीमा, दोनों कंपनियों के बीच हुआ समझौता। साल में पहली बार फेसबुक यूजर्स घटे, पिछले 3 महीने में 5 लाख लोगों ने छोड़ा फेसबुक। मार्क जुकरबर्ग का आरोप, इसके लिए ऐप गूगल जिम्मेदार। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में हाल में सालों से पहली बार भारतीय अमीर हुए शामिल, गौतम अडानी 10वें रैंक पर, अंबानी 11वें रैंक पर पहुंचे। ऑडी Q7 फेसलिफ्ट हुई भारत में लॉन्च, शानदार फीचर से लोडेड ये गाड़ी मिलेगी कितने में, जानिए। मेटा के शेयर औदे मुंह गिरे, जकरबर्ग की संपत्ति 31 अरब घटी, टॉप 10 धन कुबेरों की लिस्ट में से बाहर। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जमीन का भी होगा आधार नंबर। तो 2023 तक देश भर में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करने का रिकॉर्ड, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान किया ऐलान। देश में बढ़ रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड के मामले, आरबीआई ने ट्वीट करके दी जानकारी, धोखाधड़ी से बचने के लिए दिए टिप्स। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी करने पर लगाया गया है रोक। ईशान किशन की एंट्री, खौफ में आया वेस्टइंडीज टीम। U19 WC फाइनल में पहले विराट का गुरु मंत्र, कोहली ने युवा खिलाड़ियों से बातचीत कर हौसला अफजाई की और जीत का दिया मंत्र। रोहित शर्मा को मयंक अग्रवाल नहीं ईशान किशन, बल्लेबाज के साथ करनी चाहिए पारी की शुरुआत, पूर्व क्रिकेटकीपर बल्लेबाज सपा करीम की सलाह। एसएच में इंग्लैंड की शर्मनाक हार पर ज्वाइलर्स के बाद कोच सिल्वरवुड की छुट्टी। कश्मीर में रहने वाले मोहम्मद आरिफ खान इस बार 2 इवेंट्स में देश को करेंगे रिप्रेजेंट, पैसे ना होने के चलते 2018 के विंटर ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए थे आरिफ।
ई संन्यास की घोषणा। श्रीलंका के तेज गेंदबाज भारत के दौरे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को कहेंगे अलविदा। काउंटिंग में लीग डर्बीगर के साथ 2 साल किया करार। पुजारा रहाणे को गांगुली का अल्टीमेटम, टेस्ट टीम में जगह बरकरार रखनी है तो रणजी ट्रॉफी में करना होगा परफॉर्म। कोहली मोहाली में खेलेंगे 100वां टेस्ट। श्रीलंका की शेड्यूल में बदलाव, 24 फरवरी को शुरू होगी T20, पहला टेस्ट अब बेंगलुरु में नहीं। पाकिस्तान कप्तान ने रचा इतिहास, कासिम अकरम अंडर 19 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले और 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। श्रीलंका को 238 रनों से हराया। लॉकअप के लिए अपना लुक शेयर करने पर कंगना रनौत हुई ट्रोल, लोग बोले फोटो देखकर हमारी हंसी नहीं रुक रही। मसूरी की वादियों में यूं खोए नजर आए अक्षय कुमार, बताया अपना सपना। फरहान अख्तर और शिबानी डंडेकर 21 फरवरी को करेंगी शादी, पापा जावेद अख्तर ने किया कंफर्म। रितेश और जेनेलिया मिस्टर मम्मी में आएंगे नजर, जेनेलिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी जानकारी। करीना कपूर फिल्म मेकर सुजय घोष की क्राइम मिस्ट्री में आएंगी नजर, फिल्म में उनके साथ जयदीप अहलावत और विजय वर्मा भी भूमिका में आएंगे नजर। सुनील ग्रोवर हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज, हार्ट में ब्लॉकेज के साथ कोरोना पॉजिटिव थे कॉमेडियन। शबाना आजमी के बाद जया बच्चन को हुआ कोरोना, करण जौहर ने पोस्टपोन की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग। टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा की शादी के फंक्शन शुरू, सामने आई हल्दी की फुटेज। सुष्मिता सेन एक्स बॉयफ्रेंड के संग फिर हुई स्पॉट, पेपराजी को देख चेहरा छुपाते दिखे रोहन मालचौल। रड्डी फुट्टा पर भारी पड़ा इंस्पेक्टर अविनाश का एक्शन, सीक्वेंस शूटिंग के दौरान लगी चोट। दुनिया की 100 बड़ी खबरें, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।